सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। ये वर्ष की आरंभ के साथ ही सभी कार कंपनियां चौकनी हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फॉक्सवैगन ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी टी क्रॉस को अक्टूबर 2018 में यूरोप, दक्षिणी अमेरिका व चाइना के बाजारों हेतु पेश किया था। वहीं अब कंपनी की निगाहें इसे हिंदुस्तान में लाने की है, लेकिन हिंदुस्तान में आने में इस कार को बहुत ज्यादा समय लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी इसे हिंदुस्तान में 2020 के अंत तक पेश करेगी। बताया जा रहा है कि कंपनी ने इसे एमक्यूबी A0 प्लेटफार्म पर तैयार किया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इसी प्लेटफार्म पर पोलो व विल्टस नेक्स्ट जनरेशन वेंटो को भी डिजाइन किया है। खबरें हैं कि कंपनी इसे हिंदुस्तान में 2020 इंडिया 2.0 बिजनेस प्लान के तहत लॉन्च करेगी। वाहन खास बात यह है कि इसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही किया जाएगा। बता दें कि यह गाड़ी फिलहाल ग्लोबल बाजार में बहुत ज्यादा धूम मचा रही है व यह पेट्रोल व डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। कंपनी ने बताया है कि इसे वर्टी क्रॉस के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने पर कार की मूल्य बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसा करने पर कार की मूल्य फॉक्सवैगन की अपकिंग इलेक्ट्रिक कार आईडी हैचबैक के बराबर जा सकती है। गाड़ी की मूल्य पर गौर करें तो पता चलता है कि कंपनी हिंदुस्तान में इसे करीब 15 लाख रुपए के आसपास मूल्य में उतारेगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी पसंद की कार कौन सी है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, तो जल्दी से लाइक के काले से बटन को नीला कर दो। धन्यवाद।